मॉर्निंग नंबर वन पे। गुड मॉर्निंग सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर। मैं हूं अर्षित, आपके साथ ये है मॉर्निंग नंबर वन। 11 बजे तक आपके साथ रहने वाला हूं। और प्राउड वाली बात है हमारे उड़ीसा के लिए, क्योंकि राउरकेला में रहने वाले अमृत कश्यप रातों रात पहुंच गए मुंबई और वहां पर एक नेशनल टीवी रियलिटी शो एक्सपेडिशन सीजन 1 को रनर अप भी किया है। तो ये कमाल की बात जब हमें पता चली तो हमने कहा भैया फोन लगा के इनसे ही वार्तालाप कर लेते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त लाइव एंड एक्सक्लूसिव फोन पर एकदम है जी अमृत कश्यप जी। तो अमृत, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच, और कैसा लग रहा है आपको यार मॉर्निंग नंबर वन पर आज? थैंक यू सो मच हर्षित सर, आपने मुझे इनवाइट किया, ये ऑनर है मेरे लिए, थैंक यू सो मच। अरे यार, लेकिन देखो ये तो थैंक यू बोल रहे हो, अंदर ही अंदर आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, सुबह सुबह फोन करके उठा दिया हमने। नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत ही डिसिप्लिन रहता हूँ, तो मैं सुबह सुबह रोज 5:30 को उठ जाता हूँ, क्योंकि सुबह मेरा 6 बजे जिम रहता है। क्या बात है। हाँ, तो ऐसे कोई बात नहीं है, आपने कुछ डिस्टर्ब नहीं किया, इनफैक्ट मजा आएगा आपसे बात करके, देखते हैं क्या होता है। चलो, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस काफी यू नो एक्साइटिंग था, काफी मेरे लिए पर्सनली बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग था, बिकॉज काफी लंबी जर्नी रही है उड़ीसा से निकल के मुंबई जाना, फिर वहाँ पे सुभाष गायकी फिल्म स्कूल 2 साल वहाँ पे पढ़ के, फिर मैं जॉब कर रहा था सेलिब्रिटी मैनेजर, एंड देन फिर मैं प्रोफेशनल एक्टर बना, एंड देन रियलिटी शो में अप्लाई किया, तो काफी लंबी जर्नी रही है। तो एक्सपीरियंस एक्सपीडिशन में काफी अच्छा था, बिकॉज इतने सारे लोग अलग अलग इंडिया के पार्ट से आए थे, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ मिलना जुलना, फिर मिशन पे जाना, फिर अपना परफॉर्मेंस देखना, क्योंकि मैं चाहता था, देख रहा था कि हाँ कि उड़ीसा के लोग भी ये देखेंगे, कहीं ना वांटेड टू बी अ रोल मॉडल फॉर देम, जो भी ये देखेंगे, जो भी यूथ देख रहा है जी। तो इट वॉज क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। ओके, एंड ऑल्सो अमृत, जो मैंने ऑब्जर्व किया है पूरा शो मैंने देखा आपका, और उसमें आपको एक टैग मिला है ओवर अचीवर, भैया इसके पीछे राज क्या है? ये ओवर अचीवर का टैग ना ये लगता है मेरा पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, बिकॉज अब मुझे पता नहीं, अब सी आई एम अ वेरी कॉम्पिटेटिव पर्सन, मैंने ऑडिशन में भी अपना बताया था, तो कहने की मेरे में वो है कि मुझे अचीव करते रहना है एवरी टाइम, लाइक वो ओवर अचीवर टाइटल इसलिए मिला था मुझे क्योंकि पता नहीं अब उन लोगों ने मुझे लगा कि क्योंकि मैं शायद अपने यूनिवर्सिटी से मुझे चांसलर्स का गोल्ड मेडल बेस्ट स्टूडेंट ऑलराउंडर अवार्ड मिल चुका है, फिर ऐसे कुछ कुछ अवार्ड थे, नेशनल साइंस ओलंपियाड में गोल्ड मेडलिस्ट था, बेस्ट एलुमनाई अवार्ड मिला था, एंड देन स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल एथलीट था, एंड देन आई जस्ट लव दिस क्रिएटिव फील्ड, कहीं ना कहीं उनको लगा कि यार ये काफी कुछ किया हुआ है, तो आई एम हम्बल कि मुझे ये टैग दिया गया है। क्या बात यार, वैसे एक और अचीवमेंट आज आपको मिल गया आरजे हर्षित से बात करने का। अरे बहुत बड़ी बात है ये। नहीं भाई, जोक्स अपार्ट, पता चला तो आई एम रियली हैप्पी कि आपसे मुझे आपसे बात हो गई, एंड तो जो भी आपके फैंस है, मेरे फैंस है, जो भी लोग सुनेंगे, काफी मजा आएगा उनको सुबह सुबह। बिल्कुल बिल्कुल, मजा ही आ जाएगा, पूरा दिन कमाल जाने वाला है भाई उनका, मैं तो कहता हूँ। लेकिन एक चीज मैं जानना चाह रहा था, जितने भी लोग अभी इस वक्त हमें सुन रहे हैं और वो भी ट्राई करना चाहते हैं कि कैसे मुंबई जाएं रियलिटी शोज में, हम भी आएं, तो टिप्स उन्हें क्या देना चाहोगे भाई? देखिए, टिप्स तो बस यही होगा कि फोकस रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज देखिए मैंने इतने सैक्रिफाइसेस किए हैं, ना मैं पार्टी करता हूँ, ना मैं बाहर जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी मैंने नहीं किया, सब कट ऑफ किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि फोकस रहना है, इंपॉर्टेंट है, अपने काम पे वर्क करना है इंपॉर्टेंट, दिन रात एक स्केड्यूल होना चाहिए, एक डिसिप्लिन लाइफ होनी चाहिए कि आपको ये करना है, खाली हीरो बनने जा रहा है मुंबई वैसे नहीं हो पाया, यहाँ पर अंडरस्टैंड की मेरा कोर स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्किल्स क्या है, देन ओनली यू नीड टू नो योरसेल्फ फर्स्ट, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। थैंक यू सो मच अमृत भाई कि आपके थ्रू ये जो टिप्स है आपने सभी लोगों को दिए, और जाते जाते बोल दो यार रेड एफएम बजाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो। मुझे अमृत कश्यप से तो कमाल कमाल की गल्ला हमने कर लिया, लेकिन आगे मॉर्निंग नंबर वन पर हर्षित आने वाला है। गुड मॉर्निंग, बजाते रहो।